इसराइल पर हमास के हमले के बाद से ही पूरा मिडिल ईस्ट सुलग रहा है, जहां हमास की तरफ ईरान, कतर, लेबनान जैसे खाड़ी देश हैं, वहीं इसराइल की तरफ से यूरोपीय यूनियन और अमेरिका जैसे देश खड़े नजर आ रहे हैं। अप्रैल महीने की शुरुआत में इसराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास पर एक ड्रोन अटैक किया था, जिसमें 2 ईरानी कमांडर और 7 अन्य लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ईरान ने इसराइल से बदला लेने का ऐलान किया था। ईरान के इस धमकी के बाद से कई देश ईरान के हमले से डरे हुए हैं। इसी धमकी को देखते हुए जर्मनी की एयरलाइंस ने ईरान के प्रमुख शहर तेहरान के लिए अपनी सारी उड़ानें कैंसिल कर दी हैं। ईरान ने इसराइल के किए गए हमले का बदला लेने की बात कही है, जिसके बाद से मिडिल ईस्ट के सभी देशों में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। इस घटना के बाद मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात बन चुके हैं, जहां ईरान का साथ सीरिया और कतर दे रहे हैं, वहीं इसराइल की तरफ से कनाडा और फ्रांस खड़े हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइंस ने तेहरान से आने वाली और तेहरान को जाने वाली सभी फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया है। एयरलाइंस का कहना है कि उसके लिए यात्रियों की और उसके स्टाफ की सुरक्षा सबसे पहले आती है, जिसकी वजह से 6 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक सभी फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया है। देशों के बीच तनाव की स्थिति तब ज्यादा बढ़ गई जब ईरानी न्यूज एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अरेबिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें लिखा था कि तेहरान के सभी हवाई क्षेत्रों को मिलिट्री ड्रिल के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि बाद में एजेंसी ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और इस पोस्ट की बात से मुकर गई। मिडिल ईस्ट के देशों के अलावा अमेरिका में भी ईरानी हमले के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है और ईरानी हमले से लड़ने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लुफ्थांसा एयरलाइंस ने कहा कि वो लगातार मिडिल ईस्ट की स्थिति पर नजर रखे हुए है और वहां की अथॉरिटी से संपर्क में है। बता दें, लुफ्थांसा एयरलाइंस और इसकी सहायक ऑस्ट्रियन एयरलाइंस, ये मात्र 2 एयरलाइंस ही तेहरान में इंटरनेशनल फ्लाइट को ऑपरेट करती हैं।